एक नंबर चल रही है, एक नंबर। तो भाई फिलहाल इंजन ऑयल आ चुका है गाड़ी की जान, इंजन ऑयल कौन सा इंजन एकदम मोड़ने बनाते हैं पहले की तरह, जो भी एकदम मक्खन चले, ठीक है। तो भाई यार अपनी एक क्लच की वायर खराब हो चुकी थी भाई, इसमें कट लग चुके थे, ये देखो पूरी क्लच की यहाँ से, ये देखिए गाइस मोर मोर मोर, बहुत ही प्यारा मोर है ये भाई, देखिए गाइस कितना। तो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग, स्वागत है आपके मेरे ऐसे शानदार ब्लॉग्स में, आई होप आप भी अच्छे होंगे मेरी तरह। और यार एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यार, कि लास्ट टाइम आपने जो मेरे को वीडियो को प्यार दिया था ना, हमारी वीडियो को इसी CD 100 रिलेटेड, जब मैंने इसका एवरेज का टेस्ट निकाला था यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज मैं आपके लिए और जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, जो भी भाई हमारी CD 100 के आज इसकी सर्विस की देखेंगे हम यार, कितनी सर्विस कॉस्ट आती है इसकी और कितना है, इसमें क्या क्या काम होता है, सब चीज़ आपको डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है। मैं तो एक बार दिखाता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, हमने जो इसमें अभी इसकी लास्ट सर्विस जो कराई थी वो 3000 किलोमीटर में चलाई कराई थी, और जो कि अभी हो चुके हैं 34000 किलोमीटर, तो तकरीबन हमने ये 4000 किलोमीटर चला चुके हैं जब से सर्विस कराई हमने बाइक लास्ट सर्विस से। तो अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस मोर मोर मोर, बहुत ही प्यारा मोर है ये भाई, देखिए गाइस कितना प्यारा मोर है। तो फ्रेंड्स, अब जो इसमें धीरे धीरे मुझे कमियां लग रही हैं कि इसको सर्विस की जरूरत है, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मुझे कमियां लग रही हैं, कि अब इसको सर्विस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका ये ब्रेक देखिए, ब्रेक आगे वाला जो ब्रेक है इसका बहुत ही ज़्यादा लूज हो चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे ब्रेक शूज़ ख़राब हो चुके हैं इसके, तो ब्रेक शूज़ दिखाने पड़ेंगे कि वो ख़राब हैं कि या यही टाइट हो जाएंगे, वो भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विस में सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और जो पीछे वाला है ब्रेक, ये भी सेम एज इट कंडीशन है, पूरा पाउच में नीचे जा रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि ब्रेक शूज शायद आई थिंक खत्म हो चुके हैं, अब जो भी होगा वो तो वहीं आप चल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो इसमें इधर से मुझे दिख रही है, जो से ऐसे स्टार्ट करता हूँ मैं, तो इसके चेन सेट में बहुत आवाज़ आ रही है, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ से आपको दिखेगी, ये देखो कड़कड़ 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही है, तो आई थिंक थोड़ा चेन सेट में मुझे प्रॉब्लम लग रही है। तो सारी चीज़ें जो भी हैं सारी कवर करेंगे, जो भी खर्चा पानी होगा मैं सारे आपको डिटेल में एकदम दिखाऊंगा, कौन सा हमने ऑयल डलवाया, ब्रेक शू चेंज हुए नहीं हुए, फिल्टर वगैरह साफ करके सब चीज़ आपको डिटेल दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चलते हैं सर्विस वाले के पास। तो चलिए गाइस चलते हैं हम फटाफट सर्विस वाले की दुकान में यार, वो जाकर इसके फटाफट मरम्मत कराते हैं, एकदम चमकाते हैं, बेहतरीन से एकदम मोड़ने बनाते हैं पहले की तरह, जो कि एकदम मक्खन चले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम शॉप पर। तो भाई फिलहाल आ गए हैं शॉप में, ये शॉप आज यहीं से हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवाएंगे, और ये है हमारी बाइक, और भाई ये खुल चुकी है, इसमें देखो पेचकस लग गया है, अब जाके इसमें पूरी सर्विस इसकी होगी, मैं दिखाऊंगा कौन इसकी सर्विस कर रहा है, ठीक है। सब चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या काम हुआ इसमें। तो फ्रेंड फिलहाल यार अभी बाइक की सर्विस होना स्टार्ट कर हो गई है, तो हमारे भाई क्या नाम है भाई आपका, सूरज नाम है भाई का, यार भाई सूरज हमारी पूरी बाइक की सर्विस करेगा आज, वो सब चीज़ दिखाऊंगा भाई ने क्या क्या काम करा है इसमें यार। अभी तो भाई फिलहाल इसका चेन सेट खोल रहा है ये, और ये बैटरी बॉक्स खोल लिया है, सब चीज़ें तसल्ली से बने रहना वीडियो, सब चीज़ें वो तसल्ली से मिलेगी देखने के। भाई देखो पूरा ऑयल इसमें निकल गया, ऑयल भाई पूरा काला पड़ चुका, काला ऑयल 4000 किलोमीटर में ऑयल पूरा काला पड़ गया भाई, इतना चला लिया मुंडो से, और ये गद्दी वगैरह पूरी अभी खुल चुकी है। तो अभी ये भाई ने पूरा टायर खोल के इसमें ब्रेक शू चेक कर रहा है। हाँ सूरज भाई चल जाएंगे क्या ब्रेक शू इसके, चलो भाई ब्रेक शू तो बच गया, पीछे वाला तो सही है, घिस विस के पूरा चल जाएगा इस बार, अगली बार देखेंगे फिर। तो भाई फिलहाल अपना चेन देख रहा है भाई, मेरा चेन में जो कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी वो देख रहा है कि चेन सेट खराब है कि ठीक है, मुझे तो भाई कह रहा है ठीक है, वैसे चेन सेट चल जाएगा अभी देख लो भाई, चल जाए तो चला ही दे ऐसे यार और क्या। तो भाई फिलहाल भाई ने चेन सेट भी ठीक कर दिया, ये उसका चेन सेट का खाली लॉक ही ख़राब था, लॉक चेंज करके पूरा एकदम इसे बढ़िया कर दिया, एकदम खर्चा बचा दिया भाई ने पूरा खर्चा बचा दिया। तो भाई फिलहाल ये ऑयल फिल्टर निकल रहा है, काफ़ी काला कर दिया यार इसने, तो ये लग रहा है कि भाई अभी चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसे, कर दो इसे चेंज कर दो फटाफट फिर। तो भाई फिलहाल ये नया ऑयल फिल्टर आ गया है, और ये लग चुका है इसमें भाई, ये देखो अब सही चलेगा ये। तो भाई इसके ब्रेक शू खुल गए हैं, ये देखो चल जाएगा भाई, बिना
चलो भाई ये भी बच गया, अभी चल जाएगा, दोनों ब्रेक्स तो बढ़िया हैं। तो भाई फिलहाल अभी भाई ये प्लग साफ कर रहा है, ये देखो प्लग भी सही है यार हमारा, एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई फिलहाल इंजन ऑयल आ चुका है गाड़ी की जान, इंजन ऑयल। कौन सा इंजन ऑयल डल रहा है दिखाना सूरज भाई, कौन सा है? यह है भाई सर्वो का इंजन ऑयल डलेगा अब इसमें। कितने लीटर है? 900 में डलता है ना इसमें, हम 900 में पूरा डाल दो भाई इसमें। भाई सर्वो का डल रहा है आराम से, 3-3.5-4 हज़ार किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं होती भाई, मैं हर बार से डलवाता हूँ इसे, बढ़िया ऑयल है भाई एकदम, और बहुत ही सस्ता है, ओनली 280 रुपीज़ का। तो भाई यार अपनी एक क्लच की वायर ख़राब हो चुकी थी भाई, इसमें कट लग चुके थे, ये देखो पूरी क्लच की यहाँ से वायर ही नहीं है भाई, ये टूट गई अभी वो पूरी है, तो इसी को फिलहाल अभी चेंज करवा रहे हैं, नई टायर डलवाते हैं यार। तो भाई फिलहाल अपनी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और गाड़ी के इस टाइम हो रही धुलाई, मोरनी की हो रही धुलाई इस टाइम पे, अब बन चुके हैं मोरनी नहा रही है। तो भाई फिलहाल अभी पूरी बाइक की सर्विस हो चुकी है, पॉलिश लग रही है बाइक में अब, ठीक है पॉलिश लगने, अब इसकी करेंगे हम टेस्ट ड्राइव कैसी चल रही है, सब चीज़ को चल के दिखाता हूँ। बहुत ही किफ़ायती सर्विस हुई है और बहुत ही जल्दी सर्विस हमारे भाई ने कर दी है एकदम, सूरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है मिलते हैं फिर आपसे जल्दी ही, अभी मैं इसको टेस्ट ड्राइव करके दिखाता हूँ, ठीक है फिर। तो फिलहाल गाइस यार गाड़ी की सर्विस हो चुकी है एकदम भाई, बाइक एकदम चमक रही है, देखो भाई बिल्कुल चमक रही है, पहले कैसी थी और अभी देखो इस टाइम पे भाई बंदे ने पूरी चमका के पूरी बाइक की सर्विस, एकदम ऑयल फिल्टर चेंज हुआ इसमें और उसका फिल्टर चेंज क्या करवाया हमने यार, क्लच की मेरी वायर थोड़ी ख़राब हो गई थी तो वो भी मैंने चेंज करवा लिया यार। तो अब इसे मैं चला के देखता हूँ कि कैसी लग रही है, ठीक है ये तो एक बार मैं चला के देखता हूँ कितने स्मूथनेस इसके अंदर आया नहीं आया, सब चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है वीडियो में बने रहना आप। मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसी लग रही है, ठीक है भाई एक नंबर चल रही है एक नंबर। अभी यार मैं बाइक की राइड लेके आया हूँ गाइस, यार आप बता नहीं सकता आपको कितनी बढ़िया चल रही है इस टाइम पे, इतनी स्मूथ चल रही है एकदम, पहले जो कि जैसे चलाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी को खींच रहे हो, मतलब कि सर्विस का टाइम हो जाता था आप लोगों को लगता है कि गाड़ी लोड लेने लगती है, तो वैसे मेरे साथ होता था कटर 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 चेन सेट की पूरी आवाज़ आती है इसमें, ब्रेक बिल्कुल ढीले थे, इस टाइम ऐसा स्मूथ हो चुके बाइक मैंने, बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है एकदम बढ़िया, एक नंबर भाई ने हमारी सर्विस करी है यार, फुल मज़ा आ गया, ठीक है। तो जो इसमें मेरी ओवरऑल सर्विस कॉस्ट जो भाई मेरे पास आई बहुत ही किफ़ायती आई है, मात्र 500 रुपये, वही 500 रुपये इसलिए आ गए कि 100 रुपये एकदम मेरी वायर चेंज हो गई है, नहीं तो 400 रुपये में सर्विस हो जाती है हमारी पूरी एकदम। तो यार देखिए 400 रुपये में सर्विस बहुत ही किफ़ायती होती है इस बाइक की यार, एक तो CT 100 भाई नाम ही ऐसा है कि भाई किफ़ायती गाड़ी है एकदम, कम पैसे में फुल मज़ा देती है, फुल मज़ा एकदम, इसे 500 रुपये सर्विस कराओ और कम से कम 3 महीने चलाओ आराम से, बेझिझक कोई दिक्कत नहीं होती, फुल मज़ा आता है यार। तो वीडियो अच्छी लगे यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना यार, ऐसी वीडियो आपके लेके आता रहूँगा यार। तो यही मेरा डिटेल रिव्यू था CT 100 की बाइक की सर्विस के लिए, ठीक है। तो यार चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और यार बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।